अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ भारत साल 2009 से ही द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेल रहा है। तब 26/11 के मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना बंद कर दिया था। हम ही नहीं, कई देश पाकिस्तान का दौरा नहीं करते, क्योंकि उसकी शुरुआत तब हो गई थी जब श्रीलंका की टीम पर आतंकी हमला हो गया था पाकिस्तान में ही। हाल ही में इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया था। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा मैच से कुछ घंटे पहले रद्द करके अपने देश वापस चली गई थी। ऑस्ट्रेलिया अगले साल होने वाले पाकिस्तान दौरे को लेकर दोबारा विचार कर रहा है। लेकिन सवाल वही है कि भारत ने जो बहिष्कार किया उसके बाद क्या पाकिस्तान ने आतंकी घुसपैठ में कमी की थी? क्या उसने आतंकियों का पोषण बंद कर दिया था? जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। और पाकिस्तान से इतनी ऊंची ऊंची उम्मीदें लगाना बेकार है। इसीलिए पाकिस्तान का इलाज करने के लिए कोई दूसरा असरदार और मारक तरीका ढूंढना होगा। पांच अक्टूबर के बाद से 11 आम नागरिकों की हत्या हो चुकी है। आठ अक्टूबर से अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं। और ये सब करने वाला हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ही है। अब जबकि हम ये जानते हैं कि इस सब के पीछे पाकिस्तान है, तो सवाल ये है कि हम अपने नापाक पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? देश की राजनीति इसी बात पर उबल रही है कि कश्मीर में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों की गोली का जवाब भारत को कैसे देना चाहिए। जो दहशत प्रवासी मजदूरों को कश्मीर से वापस आने पर मजबूर कर रही है, उसका इलाज क्या है? तमाम नेताओं ने राजनीतिक फायरिंग के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले ली। 9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे? इंडिया के साथ पाकिस्तान की मैच होना गलत है। मतलब ऐसे वक्त पर भारत और पाकिस्तान की मैच को रोकना चाहिए और हमारे खिलाड़ियों ने भी मतलब पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए नकार देना चाहिए और ये मैच कैंसिल होना चाहिए। जो आगामी क्रिकेट मैच का आयोजन है उस पर भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद और क्रिकेट मैच दोनों एक साथ किसी भी प्रकार से चलना व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर दिशा। पाकिस्तान गोली चलाएगा और हम उसे गेंद नहीं डालेंगे। वो सीमा पार से आतंकी भेजकर बमों से हमला करवाएगा और हम उसके खिलाफ बैट नहीं उठाएंगे। क्या वाकई ऐसे सांकेतिक कदमों से पाकिस्तान का इलाज हो सकता है? जो लोग उसमें शामिल है भारत की तरफ से और उधर पाकिस्तान की तरफ से भी, तो वो लोग सोच विचार करके इसको कैसे करना है, देश के जनता का मनोभावनाएं जो होती है उनके बारे में क्यों सोचना है, वही स्वयं सोचे। कश्मीर में आतंकवादी देश के जवानों का खून बहा रहे हैं और सबक सिखाने के नाम पर क्रिकेट ना खेलने की मांग हो रही है। सवाल यह है कि क्या कश्मीर में जवानों की मौत या आम लोगों की मौत का जवाब सिर्फ क्रिकेट खेलना बंद करके दिया जा सकता है? भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 2008 में हुए मुंबई हमले के बाद से द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है। हालांकि वर्ष 2012 में 2 T20 और 3 वनडे मैच खेले गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली। द्विपक्षीय सीरीज से हमारा मतलब है कि एक दूसरे के देश का दौरा करके सीरीज खेलना। हालांकि दोनों टीमों ने ICC टूर्नामेंट में मैच खेले। ये कहा जाता रहा है कि मुंबई हमले के बाद भारत पाकिस्तान के क्रिकेट संबंध खत्म कर लिए गए, लेकिन उसके बाद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ 2019 तक 11 मैच खेले। ये सभी मैच ICC टूर्नामेंट में खेले गए थे। इसमें 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में खेले गए 2 मैच भी शामिल हैं। उसके बाद 2018 में दोनों टीमें एशिया कप में भी 2 बार भिड़ी थी। जिस तरह से महाभारत में द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर का अश्वत्थामा मारा गया वाला कथन एक अर्ध सत्य था, ठीक वैसे ही भारत पाकिस्तान के क्रिकेट संबंध खत्म किए जाने की बात आधा सच। दरअसल भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट संबंध हमेशा से बने रहे,
लेकिन केवल आईसीसी टूर्नामेंट। यानी पाकिस्तान को दिया जाने वाला क्रिकेट वाला करारा जवाब उतना करारा नहीं था जितना हम सोचते हैं। आपको ये तस्वीरें याद हैं? ये 14 फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले की तस्वीरें हैं। इस हमले में देश ने अपने 40 जवान खोए थे। पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया था और उसको कड़ा जवाब देने के लिए सबसे पहली मांग उठी थी कि क्रिकेट नहीं खेलना है। दरअसल 2019 में ही विश्व कप था, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना था। ये एक आईसीसी टूर्नामेंट था, मैच ना खेले जाने की मांग की जाने लगी थी, लेकिन मैच खेला गया और इसमें भारत ने जीत भी दर्ज की। जहाँ तक मैच का सवाल, आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कमिटमेंट होते हैं आईसीसी के, पहले भी बड़ा स्पष्ट है, उन कमिटमेंट में जो है आप किसी से खेलने से मना नहीं कर सकते हैं। कभी वो इंटरनेशनल कमिटमेंट जो आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं उस पर आपको खेलना पड़ता है। यानी एक बात तय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध पूरी तरह से कभी टूटे ही नहीं थे। एक सवाल ये भी है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध तोड़कर सख्त संदेश दिया गया था तो पुलवामा हमला क्यों हुआ, या फिर 2008 के बाद भी आतंकी हमले क्यों होते रहे, कश्मीर अशांत क्यों रहा। 2008 से 2018 के बीच जिस दौरान पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को क्रिकेट मैच न खेलकर करारा जवाब दिया गया था, उस दौरान 3,948 आतंकी हमले हुए जिसमें 447 आम लोग और 651 जवान मारे गए थे। 2019 से लेकर अब तक करीब 166 जवान मारे जा चुके हैं और 104 आम नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। इन आंकड़ों से एक बात साफ है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेलकर उसे सबक नहीं सिखाया जा सकता। कम से कम कश्मीर में जो वो कर रहा है उसका जवाब क्रिकेट तो नहीं है, क्योंकि वो तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब जरूरी हो गया है कि पाकिस्तान को क्रिकेट ही नहीं हर तरह के बड़े ग्लोबल मंच से बाहर कर देना चाहिए। रंगभेद के कारण जिस तरह दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगा था, उसी तर्ज पर आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान पर बड़े प्रतिबंध लगने चाहिए और ये कार्रवाई सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पाकिस्तान से दुनिया के हर मंच के एक्सेस कार्ड छीन लेने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।